हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैक्सप्लेट से आप किसी भी फाइल को या वीडियो वगैरह को कैसे डिलीट कर सकते हैं इजली। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर है हमारे पास मैक्सप्लेयर। सो इसमें बहुत सारा अपडेटिंग चेंजिंग आया है। सो आपको अगर नहीं मालूम है और आपको नहीं शो कर रहा है तो आप इसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना। सो यहाँ पर ये तो ऑनलाइन सभी चीज़ें हैं, तो हम लोग लोकल डिस्क में चलते हैं। ये हमारी फाइल की सभी चीज़ें जो है डाउनलोडेड हैं। सो अगर किसी भी चीज़ को जैसे रिमूव करना है, सॉरी डिलीट करना है, तो यहाँ पर करना क्या होगा आपको, जैसे कि यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है, ये चीज़ें दिख रहा है। सो इसमें से आपको कुछ भी डिलीट करना है, जैसे कि ये हो गया। सो इस पर लॉन्ग प्रेस भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये लॉन्ग प्रेस हो गया। लॉन्ग प्रेस करने के बाद देन यहाँ पर आपको आएगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखेगा दी फाइल विल बी डिलीट परमानेंटली। अगर ये इंटरनल स्टोरेज का भी है या फिर मेमोरी का है, दोनों का रहेगा, तो यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और दोबारा बैकअप नहीं कर सकते और रिकवर नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो जाएगा एक ही बार में। तो ओके करने के बाद ये डिलीट हो गया। सो ईजी था गाइज, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बाय।